वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। हेलो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अम्ब्रेला टॉप। देखिए गाइज, ये टॉप बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखेगा। देखिए गाइज, इसकी लेंथ होगी यहाँ पे 20 इंचेस की, और यहाँ पे इसकी चेस्ट होगी 24 इंचेस की, और यहाँ पे इसका वेस्ट होगा 24.5 इंचेस का। इसका आर्मोल होगा 7 इंचेस का, और इसका फ्रंट नेक होगा 2.5 इंचेस का, और बैक नोक होगा 2 इंचेस का। देखिए गाइज, आपको सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करनी होगी। चलिए गाइज हम अस्तर फोल्ड कर लेते हैं और कटिंग की ओर बढ़ते हैं। सब गाइज, यहाँ पे हमने अस्तर को 2 फोल्ड कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको अस्तर को यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर 7.5 इंचेस का पूरा कट कर लेना होगा, जितना आपका चेस्ट होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर लंबाई लेनी होगी। जैसे कि हमारी लंबाई होगी टॉप की, जैसे कि हमारी पूरी लंबाई 21 इंचेस है, तो उसमें हम 10 इंचेस का यहाँ पर लेंगे और 1 इंच इसमें प्लस करके लेंगे। मार्जिन के लिए हाफ इंच चला जाएगा ऊपर में और नीचे इंच चला जाएगा फोल्ड करने में। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए गाइस, इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर में लेना होगा शोल्डर। जैसे कि हमारा शोल्डर होगा 5 इंचेस का, तो आपको यहाँ से शोल्डर 5 इंचेस पर ले लेना होगा। देखिए, हमने 5 इंच शोल्डर ले लिया। इसके बाद यहाँ पर आर्मोल आपको लेना होगा 5.5 इंचेस का। देखिए, हमने यहाँ पर ले लिया 5.5 इंचेस का। इसके बाद आपको चेस्ट लेना होगा, जैसे कि हमारी चेस्ट है 7.5 इंचेस की। देखिए, आपको यहाँ 7.5 इंचेस ले लेना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में वेस्ट लेना होगा। देखिए गाइस, यहाँ पर हमने ले लिया है वेस्ट का पार्ट। अब इसके बाद यहाँ पर आपको दोनों ज्वाइंट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन लेना होगा। चलिए, हम 1 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। एक इंच का मार्जिन लेने के बाद यहाँ पर आपको नेक की यहाँ पे आपको कटिंग करनी होगी। नेक हमारा होगा 2.5 इंचेस का गाइस, और नीचे से हमारा नेक होगा 3 इंचेस का। देखिए गाइस, इसी तरह आपको दोनों पार्ट कट कर लेना है। इसी तरह आपको दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेना है। चलिए, हम दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करके यहाँ पे आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना होगा। अम्ब्रेला सर्कल यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना है, जितनी आपको टॉप की लेंथ चाहिए। देखिएगा, यहाँ पर हमने हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको अस्तर को प्लेस करना होगा, अस्तर को प्लेस करना होगा, और यहाँ पर आपको नेक और शोल्डर का सेम यहाँ पर मार्किंग कर लेना होगा। देखिए गाइस, इस तरह आपको मार्किंग कर लेना होगा। फिर इसका पर्दा लेना होगा, और फिर यहाँ से आपको जितनी भी आपको इसकी फ्लेयर रखनी होगी उतनी आप रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको स्ट्रेट स्लान प्लान ड्रॉ कर लेनी। इसके बाद यहाँ पर आपको कट कर लेना होगा। चलिए, हम कट कर लेते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे अस्तर को यहाँ पर रखना होगा। अस्तर को आपको इसके रॉन्ग साइड पे रखना होगा, और इसके बाद यहाँ पर आपको रॉन्ग साइड प्लेस करते हुए यहाँ पर स्टिचिंग पूरे में दे देनी होगी। आपको पूरे में स्टिचिंग दे देनी होगी। उसके बाद आपको पलट लेना होगा। चलिए, हम स्टिचिंग दे देते हैं। देखिए गाइस, हमने स्टिचिंग देने के बाद यहाँ पर पलट लिया। आप चाहे तो यहाँ पर टॉप स्टिच दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगा। यहाँ पर आपको आयरन कर लेना होगा, इससे आपकी फिनिशिंग और अच्छी आएगी।
इसके बाद देखिए गाइस, आपको पीछे की पार्ट की कटिंग कुछ इस तरह करनी है। आपको यहाँ पर पीछे का पार्ट उठाना है, और यहाँ पर आपको इन दोनों को सेंटर मार्क करते हुए यहाँ पर आपको एक पूरा काट लेना है। चलिए हम कट कर लेते। इसके बाद इसी तरह आपको अस्तर को भी कट कर लेना होगा, और यहाँ पर आपको नेक और यहाँ पर आर्म होल, और यहाँ पर देखिए गाइस, हमने स्टिचिंग देने के बाद उसको पलट दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर चेन स्टिच कर लेना होगा। देखिए गाइस, इस तरह आपको रॉन्ग साइड प्लेस करते हुए चेन को आपको पूरा खोल लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर इसको सी लेना होगा। चलिए हम इस यहाँ पर सी लेते हैं चेन को। देखिए गाइस, इसके बाद यहाँ पर आपको उसको यहाँ पर उठाना होगा, और देखिए यहाँ पर हमने चेन स्टिच कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको दोनों को यहाँ पर रॉन्ग साइड प्लेस करते हुए यहाँ पर आपको दोनों के शोल्डर अटैच कर लेने होंगे। देखिए गाइस, इस तरह आपको इसके अंदर में डालना होगा, और फिर यहाँ पर स्टिचिंग दे देना होगा। इसके बाद जब आप इसको पलटेंगे तो दोनों साइड से आपका फिनिशिंग दिखेगा। देखिए गाइस, यहाँ पर हमने इसके शोल्डर अटैच कर लिया, और देखिए कितने फिनिशिंग के साथ दोनों साइड हमारे बन चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इसको रॉन्ग साइड प्लेस करना होगा। यहाँ पर आपको इसके बाद आपको यहाँ पर अस्तर को और मेन कपड़े को पकड़ना होगा इस तरह, और यहाँ पर आपको मार्जिन के हिसाब से, जैसे कि हमने 1 इंच की मार्जिन ली, तो 1 इंच के हिसाब से हम पूरे में स्टिचिंग दे देंगे। गाइस, यहाँ पर हमारा टॉप बनकर तैयार हो चुका है। कितना प्रिटी लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करें।